आओ वैसा कुछ भी बोलोगे, धूप में बैठने का मजा ही कुछ अलग है। हिचका हिचका। हाँ ये बात तो है, एकदम रिलैक्स फील होता है। भैया आप क्या कर रहे हो यार उतनी देर से? अरे मुन्ना मैं शहर पर नजर रख रहा था। ओए क्यों भैया, आप शहर के सिक्योरिटी गार्ड हो क्या? ऐसी बात नहीं मुन्ना, शहर में आजकल ना हलचल बहुत होती रहती है ना, तो इसलिए मुझे नजर रखनी पड़ती है ओए, ताकि मुन्ना अगली बार हम लोग जल्दी भाग जाए ओए। ओ तू एक नंबर का भगोड़ा है ना इसीलिए। ओए तू तो चुप ही रख बाबा, सबसे पहले तू ही भागता है डरपोक कहीं का। डरपोक कैसे बोला, ठक ठक करने आऊं क्या? ओए चल निकल। वैसे तुम लोग क्या कर रहे हो? ए भैया हम लोग भी आराम से धूप के मजे ले रहे हैं यार। ओए दोस्तों इन लोगों के पास कुछ काम धंधा तो रहता नहीं है। ओए बाप तू अपने घर और नहीं जाता है क्या, यहीं पे बसा रहता है? ओ तुझे क्या दिक्कत है? ओए मुझे तो दिक्कत ही दिक्कत है ओए। पता नहीं दोस्तों दिन भर ये डॉगी यहीं पर भाव भाव करता रहता है। निकल ले, तुझसे तो चौप है, कम से कम बाहर घूम के तो आता है ओए। ओ तो आजकल ज्यादा नहीं बोलने लगा है, लगता है ठक ठक करनी पड़ेगी। ओए मुझसे क्या दोस्तों, मैं तो चला, मेरा पुश अप टाइम हो चुका है दोस्तों, पूरे के पूरे आज 2000 मारूंगा, रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ मैं ओए। ओए देखो दोस्तों अभी मेरा प्रहार। ओ कौन सा प्रहार? ओए तो चुप कर बाप, तेरे से तो कुछ नहीं हो पाता है ओए। ये देख मेरे पुशअप मारने का स्टाइल, एक पुशअप मार ले बाप, तेरे को मैं इनाम तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे लिए पैसा नहीं है ओए। ओ तू अपना काम करना चुपचाप से, दिमाग खराब करता रहता है। ए यार भैया कभी तो रिलैक्स रहा करो, दिन भर बॉडी सॉडी बनाते रहते हो। ओए मुन्ना हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तुम लोग हो ना खा खा के मोटे हो गए हो, देख रहा है बाप को? ओ तू मेरी बात क्यों करता रहता है, ठक ठक लगता दोस्तों सही में करनी पड़ेगी। हिचका हिचका। चलो दोस्तों मेरे हो गए यहाँ पे 500। देखो दोस्तों झूठ कितना बोलता, अभी 100 या 10 भी नहीं हुए होंगे। 10 हो गए। ओ तो फिर कर, हम लोगों के बीच में दखल अंदाजी मत कर। इचका इचका। ओए जो तुम्हें करना हो करो, मैं तो दोस्तों पुशअप मारूंगा ओए। अरे ये क्या यार, अचानक से बारिश कैसे होने लगी? ओए दोस्तों 722 723। अरे यार भैया बारिश में ठंड लग जाएगी। नहीं बाप देख रहे हो मौसम तो एकदम रंगीन हो गया। आओ आगे, रंगीन से संगीन हो गया है। हाँ वही वही, बाप रे क्यों बारिश हो रही है अचानक से भैया, देख रहे हो? होने दे बारिश, मेरी मुन्ना एक्सरसाइज नहीं रुकने वाली। आओ आगे, इतना अचानक से मौसम क्यों खराब हो गया? वही तो यार, अभी तो एकदम कड़कड़ाती हुई धूप निकली थी। अरे यार ये मौसम भी ना। चलो भैया ठंड लग जाएगी, रहन दो। ओए तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और दोस्तों ये हो गया 1001 1002। अरे यार भैया 1000 इतने अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए आपको। 5 मिनट? मैं पूरे 5 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। करो करो भैया, कीप इट अप यार। आ जाओ बाप हम लोग ऊपर चलते हैं। आओ ठीक है आगे मैं आता हूँ। अरे मुन्ना इसको क्यों ले जाता है, इसके पास तो कुछ काम धंधा रहता नहीं है बाप, तेरे प्लॉट का क्या हुआ? आओ बन रहा है, बहुत जल्दी बन जाएगा, तू अपना काम करना। हिचका हिचका। बाप रे गाइस बादल ने तो एकदम रुख ही बदल लिया है, देखो तो कितने एकदम ब्लैक ही सो चुके हैं यार। ओए चलो दोस्तों आज की एक्सरसाइज हो गई, ओए मैं भी आ रहा हूँ। ओह हो गए क्या 2000? ओए हाँ हो गए, बस होने ही वाले हैं। कितना झूठा है दोस्तों ये। ए फाइनली गाइस घर के अंदर तो आ गए। अरे बाप रे दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश हो गई। ए भैया आ जा रहा, ठंड लग जाएगी। ओए हाँ आ ही रहा हूँ। ओह तो आज के दिन हम लोग करने क्या वाले हैं? ए क्या करेंगे, देखो तो टीवी में क्या आ रहा है। ओए बाप सोफे से उतार। आओ नहीं उतरूंगा, टीवी देखने के लिए चढ़ा हुआ हूँ। ओए तो टीवी देखने के लिए सोफे में कौन चढ़ता है, तू शांत रहना। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, दिल्ली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर आ चुकी है लॉस सैंटोस से। तो दोस्तों ये खबर भी बाकी खबर की तरह संगीन है, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना चल रहा था, अचानक से मौसम के चेंज के पीछे का बदलाव क्या है? मैं लगता कुछ गलत बोल दिया। एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मौसम चेंज होते ही आसमान में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जिसकी आवाज आप लोग खुद भी सुन सकते हो। अरे बाप रे ये किस धरिंदे की आवाज है? अरे फिर से कोई आ गया क्या? भाई मुझे क्या पता, ये कोई बड़ा धरिंदा लगता है, देख रहा मुन्ना जैसे जब गॉडजिला नहीं आया था वैसा धरिंदा टाइप का। आखिरकार है क्या?
तो दोस्तों माउंट चिलियाट में एक परछाई देखी गई है। तो ये परछाई का क्या लगता है, ये तीन सर वाला दरिंदा कौन हो सकता है? बाप रे, ये कौन है मुन्ना, ये तो अजीब दिख रहा है। ओए ए भैया, दिखी तो नहीं रहा। अरे यार, अब कौन सी बड़ी आफत आ गई यार। अभी तो भैया लॉस सैंटोस एकदम शांति भरा चल रहा था। वही तो, ओए बाप सोफे से उतर, ठक ठक कर दूंगा, चल निकल यहां से। ए यार गाइस, अब क्या होगा? ओए माउंट चिलियाट तो अपने पीछे है। ओए ये मुन्ना, अपना घर बहुत ही गलत जगह यहाँ पे बसा हुआ है। ओए ए भैया, अब घर का क्या कर सकते हैं यार, क्या भला हो सकती है भैया। ओए मैं भी तो पता नहीं क्या हो सकता है। ओए वो कहाँ फंस गया मोटा, देख उसको निकाल। अरे यार भैया, आपको मजाक सुस्त रहता हर टाइम, क्या हो सकता है? और मुझे क्या पता। अरे ये क्या दोस्तों, शहर में लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ी आफत आ चुकी है, क्योंकि इसके तीन सर देख के लगता है दोस्तों ये तो किंग ही दोरा है। लगता है दोस्तों गॉडजिला से बदला लेने के लिए आया हुआ है। अच्छा है, मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे ये तीन सर वाला मॉन्स्टर आखिरकार कौन हो सकता है? ओ मैं समझ गया दोस्तों, ये है किंग गिदोरा, जो कि पता नहीं किसी को तो ढूंढ रहा है पूरे के पूरे शहर में। लेकिन इस नमूने को शहर में कौन दिख गया? आखिरकार से शहर पे हमला क्यों कर दिया दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्योंकि दोस्तों इसके पास तो कई सारी एबिलिटीज है और इतने बड़े बड़े पंख, तीन तीन सर, आखिरकार इसका अपोनेंट कौन होगा? तो दोस्तों दिल्ली न्यूज में बने रहिए, क्योंकि न्यूज आज बहुत मजेदार होने वाली है। लगता है कोई आज बहुत बड़ी फाइट भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे किंग गिदोरा जो है वो यहाँ पे कहाँ पे आ चुका है समझ नहीं आ रहा। अरे ये क्या, ये तो आ चुका है ओशियन की ओर। लगता है दोस्तों इसका अपोनेंट वही है जो मेका गॉडजिला का था, मुझे तो यही लगता है दोस्तों। न्यूज में बने रहिए, बाकी दिल्ली न्यूज आपको लाइव खबर देते रहेगा। धन्यवाद।
भाई अब शहर का क्या होगा, देखा भैया आपने गिदोरा ने हमला कर दिया है। ओए गिदोरा ने हमला कर दिया है तो मुन्ना अब क्या होगा भाई, तो मैं भी सोच रहा हूँ। आओ वो तो ठाक टिके कर देगा। ए क्या मतलब, गॉडजिला को दोबारा आना पड़ेगा? ओए मुन्ना टेंशन मत ले, गॉडजिला अपना सब संभाल लेगा। ए यार लेकिन भैया मुझे तो उसकी दूर दूर तक आवाज भी नहीं आ रही, उस दिन तो भैया आ गया था। ओए क्या मतलब, पूरा का पूरा शहर बर्बाद होने वाला है। ए भैया कुछ आपके पास आइडिया है? आइडिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आओ कहीं हम लोग को हेल्प की जरूरत तो नहीं है? ओए हेल्प कौन करेगा हमारी? आओ मैं तो कहता हूँ किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। हिचका हिचका क्यों आगे? ए बाब लेकिन हमारी मदद के लिए आएगा कौन? ओए मुन्ना मुझे तो लगता है हम लोग को गिदोरा को रोकना चाहिए। आओ तू रोकेगा गिदोरा को, पगला गया क्या? ओए मैं रोक सकता हूँ, उस दिन मैं रोका तो था, टक टक हो गई थी। ए चलो फिर भैया गाड़ी निकालो। गाड़ी गाड़ी तो नहीं है मुन्ना। अरे यार भैया गाड़ी वोड़ी रहती नहीं क्या आपके पास? ओए क्या बताऊं। अरे यार चलो गाइस देखता हूँ कुछ ना कुछ तो होगा ना। जल्दी आओ भैया। ओए ठीक है आ गया। ए जल्दी आओ भैया, रही तो तब तक मैं तो पूरा का पूरा। अरे कोई है क्या रास्ते में? ए कोई लिफ्ट है भैया, एक गाड़ी आ रही है। ओए रुक जा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ए रुक दे रुक दे रुक दे। हाँ रुक दी भैया। पकड़ इसकी गाड़ी को, गाड़ी छोड़। जल्दी जल्दी बैठो भैया। ओए हाँ बैठ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बैठ जा फटाक से। आओ बैठ गया, चलो आओ जैकी तू नई गाड़ी का डिलीवरी भी ले ले, तेरे पास गाड़ी नहीं है, वो पैसे दे दे तू। आओ टक टक कर दूंगा। बाप मैं तो कहता हूँ तेरे प्लॉट को बेच देते हैं और मेरी गाड़ी आ जाएगी। तू जब मजाक की सोच रहे है इस टाइम में? मजाक नहीं कर रहा मैं। यार भैया लेकिन हम लोग के पास कोई प्लान तो है नहीं, तो वहाँ पे जाके करेंगे क्या? करेंगे क्या, उसको रोकेंगे मुन्ना, रोकेंगे। ए भैया आपको लगता है कि आप उसे रोक सकते हो? मैडम जी कैसे चला रही हो? मुन्ना तू कैसे चला रहा है? अरे भैया मैं अपने सही राइड पे चल रहा हूँ। और दोस्तों पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। ओए क्योंकि दोस्तों हम लोग अपने लॉस सैंटोस को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, भले ही दोस्तों गॉडजिला हमारी मदद करे न करे। वैसे भैया गॉडजिला हमारी मदद हमेशा करता है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि आज न करे। मुन्ना कर भी क्या कर सकते हैं, मुन्ना उसके भरोसे बैठे रहे तब तक मतलब शहर डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। आओ तो तू ही क्या कर लेगा, तू तो और कुछ नहीं कर पाएगा। ओए तू चुप कर, इधर गया वो। अरे भैया यार लेफ्ट मोड़ना था। लेफ्ट? ओए कि राइट? हाँ राइट राइट। ओके चल भैया सही जा रहे हैं। ए भैया जल्दी भागना पड़ेगा। ओए कौन है पीछे आ रहा है? बाप रे दोस्तों किंग की दौरा पीछे पड़ा हुआ है। अरे हट तेरी तो, रास्ता छोड़ो मेरे लिए। हे जल्दी। ओए गाड़ी पीछे मोड़ पीछे मोड़ पीछे मोड़। ओए मुन्ना लगता है आज मार देगा, तभी तो यहाँ पे हम लोग कहाँ जीने देगा। ओए गाड़ी भगा रहा हूँ। अरे बाप रे भैया इतना बड़ा दरिंदा पीछे लगा हुआ है, मैं क्या करूँ? आइए बता हम लोग आए किस लिए? ओ तू ही तो उसको मारने आया था ना। ओए मैं नहीं मारू, मेरा कद्दू मारेगा, भगा मुन्ना गाड़ी। अरे बाप रे ये क्या हो गया? अरे जल्दी 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 जल्दी। ओए क्या बात है मुन्ना मस्त गाड़ी चला रहा है, ऐसे ही चलाते रहा, ये पीछा नहीं कर पाएगा। क्या 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 क्या? अरे 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 ब्रेक। अरे बाप रे भैया भैया मैं नहीं चला सकता। ओए पगला गया क्या मुन्ना, मर जाएंगे हम लोग। अरे यार अरे ये क्या है? अरे बाप रे दोस्तों ये कहां पे हो गया, क्या हो गया अब, क्या होगा मुन्ना? अरे बाप उड़ा दिया रे। ओए उतार तेरी तो जल्दी। उतरो उतरो उतरो। ए किधर है मेरा वेपन? ए तेरी तो गिदोरा के बच्चे किधर गया? ए वो रहा, वहां धर इसको, आज तो भैया ये गिदोरा नहीं बचेगा। ए ये ले। ओए मुन्ना तू उससे पंगा ले, गलती तो नहीं कर रहा ना? गलती तो मैं कभी करता ही नहीं। ये लो भैया, भैया हम लोग शहर को बचा के रहेंगे। मुझे नहीं लगता है। ए ये कर भी क्या लेगा, ये लो भैया। ये क्या मुन्ना, सही तो ना? मैं सही हूँ, तेरा कोई ठिकान नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, डिल्लू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो इस चरण में एक और हलचल देखती हुई दोबारा से, इसका मतलब दोस्तों हमारा दोस्तों का दोस्त आ चुका है गॉडजिला। दोस्तों यहाँ पे लगता है गॉडजिला ने चुनौती दे दी है सामने वाले अपोनेंट को, इसका मतलब है दोस्तों हम लोग का मसीहा दोबारा से आ चुका है हम लोग को बचाने के लिए। अब क्या होगा इस शहर को, लेकिन ये कहाँ पे स्पॉन हुआ है, ये तो शहर के पता नहीं किस कोने में है। दोस्तों लगता है हमारा शहर अभी भी डेंजर में है, गॉडजिला को उसे बचाना पड़ेगा।
पे दोस्तों गॉड जिला ने सिग्नल दे दिया है आसमान की ओर, लगता है उसका अपहरण भागता हुआ आएगा। बस हम लोग का दोस्तों हेलीकॉप्टर ना क्रैश करे, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग दिल्ली न्यूज में बने रहिए, क्योंकि दिल्ली न्यूज आपको हर एक पल की खबर देता रहेगा। हम लोग की चैनल की टीआरपी का सवाल है दोस्तों, टीआरपी रही ही तो चैनल भी रहेगा, और मैं टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप लोगों को तो पता है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक और देखिए कौन आ चुका है, यहाँ पे लगता है किंग गिदोरा ने दहाड़ सुन ली थी गॉडजिला की। अब गॉडजिला क्या करेगा दोस्तों, अब आप लोगों को किंग गिदोरा वर्सेस गॉडजिला देखने को मिलने वाला है। बस हम लोग का हेलीकॉप्टर ना क्रैश करे, हम लोग आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। अरे ये क्या, मेरे हेलीकॉप्टर में आग लग गई है दोस्तों, अब मैं आपको खबर नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद। चलो भैया चलो यार, इलाज तो हो गया। ओए मुन्ना मौसम तो एकदम फिर से खुल गया। हाँ मौसम तो खुल गया, अब आप लोग भी जल्दी आओ। ओए हाँ आ गए। ओए दोस्तों गॉडजिला ने पटक पटक के मारा किंग गिदोरा था भैया। ओए हाँ गिदोरा पिदोरा। ए रुको भैया गाड़ी मस्त दिख रही है, पहले गाड़ी दे आओ। ओए जल्दी जल्दी। ओए मुन्ना इसमें तीन लोग नहीं बैठ पाएंगे। तीन लोग नहीं बैठ पाएंगे तो फिर उतर जाओ भैया, क्या फायदा। ओए मैं तो कहता हूँ पीछे वाली गाड़ी ले ले। लेकिन भैया ये मौसम खुलने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब गिदोरा गया।
हाँ भैया गया। और भैया लगता है हमारे गढ़ जिले ने फिर से हम लोग को सेव कर लिया है। दोस्तों हम लोग का गढ़ जिला कितना प्यारा है ना, कितना दुलारा है। हाँ ये बात है भैया, गढ़ जिला ना होता तो कौन बचाता। और इसकी गाड़ी ले फटाक से, आओ गाड़ी दे, ठक्कर टक्के कर दो अगर कुछ बोले तो। ये क्या बोलेगा पीती कहीं का। दोस्तों मौसम यहाँ पे फिर से कलरफुल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों खराब मौसम में कोई ना कोई यहाँ पे आपदाएं आ जाती हैं। और दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में हम लोग आप लोगों को ज्यादातर हॉस्पिटल में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो बड़े बड़े दरिंदे होते हैं ना, हम लोग की बैंड बजा देते हैं। ए भैया अगली बार प्लान के साथ आएंगे अगर कुछ होगा तो। ए बिल्कुल मुन्ना, इन लोगों की बैंड बजा देंगे, क्यों दोस्तों। चलो गाइस वैसे आज की वीडियो को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ चलो तब तक के लिए सभी को टिल देन टेक केयर, बाय 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 गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।